गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और जो आज का वीडियो है वो है कंपैरिजन वीडियो। तो मैं दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन करने वाली हूँ। ये दोनों ही हैं प्राइमर्स। तो ये है कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर और ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लड परफेक्ट प्राइमर। तो आज इनका ही कंपैरिजन होने वाला है। ये दोनों कैसा काम करते हैं, कैसे स्किन के लिए कैसा काम करते हैं, क्या इनका प्राइस है, क्या है, ये है, वो है, ये सारी बातें मैं बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोनों प्राइमर्स ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों काफ़ी अच्छा काम करते हैं। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे सबसे बड़ा डिफरेंस इनके बीच है कि ये जेल बेस्ड प्राइमर है और ये क्रीम बेस्ड प्राइमर है। वैसे मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे जेल बेस्ड प्राइमर यूज़ करना चाहिए और काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये जो कलर बार है ये जेल बेस्ड प्राइमर है और ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, जबकि ये है क्रीम बेस्ड प्राइमर जो कि ड्राई स्किन पे अच्छा काम करता है पर ऑयली स्किन पे भी काम ठीक ठाक कर देता है। तो एक और बड़ा डिफरेंस इनके बीच ये है कि आप अगर ये प्राइमर यूज़ करते हैं कलर बार का तो इसके ऊपर आपको फाउंडेशन, BBCC क्रीम जो भी आप अप्लाई करना चाहें करना ही पड़ेगा। पर ये जो लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर है, अगर आप इसको एज अ बेस मेकअप ही यूज़ करते हैं, जैसे लाइट मेकअप कर रहे हो तो एज अ बेस मेकअप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके ऊपर आपको फिर कुछ फाउंडेशन, BBCC क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो अब बात करते हैं इसकी कलर बार प्राइमर की। इसकी जो पैकेजिंग है ये ऐसा आता है, एक बॉक्स आता है, शायद से मेरा बॉक्स कहीं चला गया। तो ये ऐसा इसका प्लास्टिक का बॉटल है, इधर से आप ऐसे ओपन कर सकते हो, इधर से प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट निकल आएगा। और ये 30 ml का पैक है जिसका प्राइस 850 rupees है। तो ये मैंने नायका से परचेज़ किया था। जब परचेज़ किया था तो कुछ भी डिस्काउंट नहीं था, अभी भी आप परचेज़ करेंगे तो कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अमेज़ॉन पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा पर मैं प्रेफर करती हूँ कि आप कोई भी कॉस्मेटिक या मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं तो नायका बेस्ट है। मतलब आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, ओरिजिनल प्रोडक्ट वो लोग देते हैं। तो अगर ऑफ़र नहीं भी है, डिस्काउंट नहीं भी है, फिर भी आप इसको मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो ये ऑयल फ्री प्रोडक्ट है और इसमें विटामिन ई है जिससे कि स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चर भी करता है, आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लगेगी। इसके ऊपर अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा और ड्राई नहीं लगेगा। और ये पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है और इसमें कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है, कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है। तो ये फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट भी है। तो चलिए अब इसके टेक्सचर की बात करते हैं। तो ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बचा है। तो देखिए ये इसका बिल्कुल जेल बेस, देखिए ये इसका टेक्सचर है और बिल्कुल मलाई मक्खन की तरह ये आपके फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या आपकी जो रेडनेस है, फाइन लाइंस है, ये सारी चीज़ों को ये अच्छे से हाइड करता है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ये पूरे स्किन पे स्प्रेड हो गया। आप इस पर आप फाउंडेशन लगाते हो तो ये बहुत इवन लुक देगा, बहुत अच्छा लुक देगा। तो चलिए आप बात करते हैं लैक्मे एब्सोल्यूट के ब्लर परफेक्ट प्राइमर की। तो इसकी ख़ास बात मैं बता चुकी हूँ कि इसको आप अगर अकेला एज अ बेस मेकअप लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, इसके ऊपर और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 30 ग्राम का प्रोडक्ट है जो आपको 700 rupees इसकी MRP है और अभी नायका पे आपको ये 630 rupees का मिल जाएगा। पैकेजिंग इसकी ऐसे ब्लैक कलर, इस ऊपर भी इसका एक बॉक्स आता है जो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ इसको भी। तो ब्लैक कलर का एक बॉक्स में इसकी पैकेजिंग है और ऊपर से ये ट्यूब, अंदर से ऐसे ट्यूब टाइप में आता है। और इसका टेक्सचर भी देख ही लेते हैं। तो इसका टेक्सचर देखिए, लाइट पिंक टाइप का इसका जो टेक्सचर है और ये बहुत मक्खन मलाई की तरह ये भी बहुत अच्छे से फैल जाता है। मतलब आप इसको लगाओगे ना तो मखमली फील होता है बिल्कुल। और देखिए इसको और इस हाथ में देखिए कितना डिफरेंस है। इसके ऊपर आपको और कुछ भी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्राइमर आपको परफेक्ट फिनिश देता है
और जो भी पोर्स, रेडनेस, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम रहती हैं उनको काफ़ी हद तक हाइड करता है। बहुत ज़्यादा ही डार्क, अगर डार्क स्पॉट्स हैं आपको बहुत ज़्यादा ही, तब ये काम नहीं करेगा, आपके स्पॉट्स दिखेंगे। पर अगर आपके स्किन पे बारीक फाइन लाइंस हैं या थोड़ी हल्की रेडनेस है तो आप इसको लगा लोगे, काफ़ी हद तक ये हाइड करता है। ये वाटर प्रूफ है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने स्किन पे कुछ लगाया भी है। इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है, सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है, पर क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी है तो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिन से दोनों को ही यूज़ करती हूँ, पर मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर रही थी क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। पर ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो आप इसको यूज़ कम कीजिए, ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए। पर आपकी उतनी ज़्यादा ऑयली नहीं है, टी जोन पे कभी कभी ऑयल रहता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको रेगुलर डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो 2 साल तक, 24 मंथ्स इसका जो लाइफ है, तो आप इसको 2 साल तक, अच्छा खासा टाइम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ये पैराबेन पैराबेन फ्री है, इसमें इंग्रेडिएंट्स ही मेंशन नहीं है। तो हो सकता है इसमें पैराबेन्स हो, पर कम ही यूज़ करना होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें तो साफ साफ मेंशन है। तो आपको ये कंपैरिजन इन दोनों का समझ आ गया होगा कौन सा किस स्किन टाइप को सूट। तो ये दोनों ही प्राइमर अपनी अपनी जगह काफ़ी अच्छे हैं। इन दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों ही आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, मॉल्स वगैरह में आपको ये दोनों प्रोडक्ट इजीली मिल जाएंगे। पर मैं बोलूँगी कि अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो नायका से मंगाइए, और अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो तो किसी अच्छी शॉप से या मॉल जाके आप इसको परचेज़ कीजिए। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा, आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इनको चूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।